हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स इन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही थी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की कि अपाची आर टी भी और हीरो एक्सट्रीम इन दोनों बाइकों का एक कंपेयर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय से मैं भी कोशिश कर रहा था बट फाइनली आज मुझे टाइम मिला है इस वीडियो को कम्प्लीट करने का तो लीजिए मैंने आपके लिए लिया है ये वीडियो में अपाची आर टी आर वन सिक्सटी फोर भी और हीरो एक्सट्रीम वन सिक्सटी आर इन दोनों का एक कंप्लीट कंपेरिजन वीडियो है सो एन्जॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो सो एज़ यूजल मैं इसकी किसी भी बाइक की स्टाइलिंग डिजाइनिंग के बारे में बात नहीं करूंगा हाँ हम बाद में ज़रूर बिल्ड क्वालिटी की बात ज़रूर करेंगे बट वो तो बाद में करेंगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है इन दोनों में से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए हम शुरू करेंगे सीधे इंजन से सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो सो अगर इंजन की बात करें तो दोनों ही बाइक्स के इंजन सिमिलर सेगमेंट की है वन सिक्सटी की दोनों ही बाइक्स हैं जो अपाचे का इंजन है उसकी कैपेसिटी वन फिफ्टी है वहीं पर हीरोक्सट्रीम वन सिक्सटी थ्री सी की इंजन है बट जो डिफरेंस आती है वो पावर आउटपुट में आता है मोर पावर मोर आउट दोनों ही मिलता है आपको अपाचे आर आर में इनफैक्ट अपाचे आर अपनी सेगमेंट की सबसे हाइएस्ट पावर प्रोड्यूसिंग बाइक है इसके साथ ही साथ आपको मिलता है ऑयल कूलिंग अपाचे में वहीं पे आपको हीरो एक्सट्रीम में मिलता है एयर कूलिंग फर्दर बोथ द बाइक्स कम्स विथ फाइव स्पीड गियर बॉक्स बट जो डिफरेंस होता है वो उसके इंजन में है अपाचे कम्स विथ फोर वी इंजन वहीं पे हीरो एक्सट्रीम कम्स विथ टू वी इंजन इसका असर क्या पड़ता है इसका असर ये पड़ता है कि जब आप टॉप स्पीड पर भी जाते हैं तो अपाचे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगी रिफाइनमेंट लेवल आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी अपाचे की एज कम्पेयर टू हीरो एक्सट्रीम मिड रेंज में ये आपको डिफरेंस ज़्यादा समझ में नहीं आएगा पर टॉप एंड पे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टॉप स्पीड का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है अपाचे में यू कैन क्लॉक अराउंड 125 ट्वेंटी पर आवर वहीं पे आपको हीरो एक्सट्रीम 115 से 120 से ज़्यादा की स्पीड आप एक्सपेक्ट uh, नहीं कर सकते हीरो एक्सट्रीम से इसके अलावा मैं बता दूं कि जो माइलेज है दोनों बाइक्स की वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दैट विल बी अराउंड 55 किलोमीटर पर लीटर एंड विद 12 लीटर फ्यूल टैंक इन बोथ द बाइक्स यू विल इजीली गेट अ टैंक रेंज ऑफ अराउंड 600 हंड्रेड किलोमीटर्स इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो ये है कि जो वेट है गाड़ी का हीरो एक्सट्रीम थोड़ी लाइटर गाड़ी है हंड्रेड थर्टी के आसपास है वो भी टी वी जो है वो छः पाँच से छः किलो ज़्यादा उसका वेट है हंड्रेड फोर्टी के आसपास है बट जब हम चेक करते हैं ना पावर टू वेट रेशियो एंड बिकॉज क्योंकि अपाचे में आपको मिलता है मैसिव 17.63 पॉइंट ऑफ पावर और जो आपके हीरो एक्सट्रीम है उसे मिलता है अराउंड 15.2 पॉइंट ऑफ पावर तो पावर टू वेट रेशियो जो रहता है ना वो आपको अपाचे में मिलते है जीरो पॉइंट पर के ऑफ द वेट ऑफ द बाइक वहीं पर आपको जब वो हीरो एक्सट्रीम को हम चेक करते थे तो वहाँ पर आपको पावर टू वेट रेशियो मिलता है जीरो पॉइंट वन वन सो डेफिनेटली अगर हम इंजन की बात करें तो वहाँ पर अपर हैंड है टी वी अपाचे के पास बिकॉज ऑफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल कूलिंग साथ ही साथ जो ज़्यादा पावर हमें मिलता है जा, ज़्यादा टॉर्क मिलता है इन सभी चीज़ों के साथ सब आगे बढ़ते हैं सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेटअप ऑफ दीज टू बाइक्स अगर हम हीरो एक्सट्रीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट क्या आपको मिलता है कि इसमें चाहे टेल लैंप हो या हेड लैंप हो या फिर उसके इंडिकेटर्स हो कंप्लीट आपको एलईडी सेटअप मिलता है वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपाचे आर टी आर वन सिक्सटी फोर बी की उसमें आपको हेडलैम्प जो मिलता है और जो टेल लाइट मिलता है ये दोनों ही आपको मिलते हैं एल लेकिन इसके अलावा जो टर्न सिग्नल्स मिलते हैं वो आपको हेलोजन के फॉर्म में मिलता है फर्दर बोथ द बाइक्स कम्स विथ डी आर एल्स और जब ये अपाचे के डी आर एल्स आप देख सकते हैं आईब्रो शेप में मिलते हैं और जब ये आप इसको जब ऑन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है सिमिलरली जो हीरो एक्सट्रीम के बीच जो डी आर से वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी सो so, जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में बस वो एक यही है कि आपको हीरो एक्सट्रीम में जो मिलता है हेडलैम्प उसमें कंप्लीट एल सेटअप है लेकिन आपको जब अपाचे में जो लाइटिंग सेटअप मिलता है उसमें जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिलते हैं हेलोजन बल्ब के फॉर्म में फर्दर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मिलता है हीरो एक्सट्रीम में हजार लाइट का ऑप्शन मिलता है जो कि टीवीएस अपाचे में आपको नहीं मिलता है तो बढ़ते हैं और चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल सेटअप का दूसरा सेक्शन जो कि होता है इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कंसोल कंसोल द द ऑफ बोथ बाइक्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छे दिखते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और इनफैक्ट अगर लुक्स की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि अपाचे की अच्छी है या फिर हीरो एक्सट्रीम की ज्यादा अच्छी है दोनों ही बहुत अच्छी लगती है दिखने में बट जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आपको हीरो एक्सट्रीम में कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि आपको अपाचे में मिलती है अपाचे में एक्स्ट्रा क्या मिलता है जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके अलावा आपको इसमें हाई स्पीड कितनी आपने अटेंड करी वो मिलता है आपको लैप टाइमर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है ये दोनों चीज़ें ज़्यादा है एज कंपेयर टू हर इसके अलावा बाकी चीज़ें जो रहती हैं जैसे आपकी टैकोमीटर है ऑटोमीटर है ट्रिप्स हैं स्पीडोमीटर है डिजिटल क्लॉक है ये सारी चीज़ें दोनों ही बाइक के इंस्ट्रोमेंट कंसोल में मिलता है लेकिन अपाचे में आपको कुछ फंक्शन ज़्यादा हैं हाई स्पीड या फिर अपने लैप टाइमर अगर आप कहते हैं वो सारी चीज़ आपको ज़्यादा मिल जाती है बट दोनों ही बाइक में से किसी भी बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं मिलता है इस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए फर्दर एक और चीज़ बता दूँ कि हीरो एक्स्ट्रीम की जो मीटर कंसोल में उसमें आपको मिलता है साइड स्टैंड अगर आपका लगा हुआ है ना तो साइड स्टैंड के वहाँ पर इंडिकेटर लगी रहती है वो लाइट ग्लो करता रहता है जो कि आपको अपाचे में नहीं मिलता बट अपाचे में इसके लिए एक और चीज़ आपको मिल जाएगी कि आर पी एम शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिलती है सो ओवरऑल आई कुड से कि दोनों का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना वो रिच है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड अपाचे आर टी आर को जरूर मिल जाती है सो नाउ मूविंग फर्दर अहेड अब हम इंक्लूड करेंगे ना तीनों चीज़ें ब्रेकिंग टायर और जो सस्पेंशन सेटअप इन तीनों चीज़ों के एक ही साथ हम कंपेयर करेंगे अगर हम बात करें दोनों की ही तो दोनों में आपको मिलते हैं फ्रंट में पेटल डिस्क मिलते हैं और साथ ही साथ सिंगल चैनल ए दोनों ही आपको बाइक्स में मिलते हैं साइज ऑफ द फ्रंट डिस्क ऑफ द टी वी इज टू सेवेंटी एम एम वेर इज दैट ऑफ द हीरो एक्सट्रीम इज टू सेवेंटी सिक्स एम एम और अगर बात करें हम रियर की तो रियर में जो डिस्क मिलती है दोनों ही बाइक्स में तो आपको हीरो एक्सट्रीम में जो डिस्क मिलेगी उसकी साइज़ रहेगी 230 थर्टी mm, एम वहीं पर आपको जो अपाचे मिलते हैं उसकी साइज़ है 220 ट्वेंटी एम एम एंड इन बोथ द बाइक्स यू गेट पेटल डिस्क इन द रियर ऑल्सो तो मतलब सामने और पीछे दोनों में आपको पेटल डिस्क मिलता है साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का और सिंगल चनेल ये भी है तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है फीडबैक की बात करूँ तो दोनों ही आपको बहुत ही एक्चुअल uh, फीडबैक देगी मतलब आप कभी भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फ़ील नहीं होगा अब हम बात कर लेंगे टायर की पहले सो देर इज़ नो मच डिफरेंस इन द टायर्स ऑफ बोथ द बाइक्स इन द फ्रंट दोनों ही बाइक्स की जो साइज जो बता दूँ मैं फ्रंट में आपको टी वी सपाची मिलता है नाइन्टी बाई नाइन्टी के और ये सेवेंटीन इंच के ट्यूबलेस टायर होते हैं अलॉय व्हील्स के साथ और वैसे ही आपको मिलते हैं हीरो एक्सट्रीम में भी हंड्रेड बाई एटी सेक्शन के सत्रह इंच के ट्यूबलेस टायर अलाय व्हील्स बट इन रियर इन हीरोक्स्ट्रीम यू गेट अ फैट हंड्रेड थर्टी बाई सेवेंटी सेक्शन टायर वेर इज इन दैट इन द टी वी यू जस्ट गेट हंड्रेड टेन Section 110 by 80, 17 inch tire, so that is the difference. And actually, the radial tire of the Hero Extreme looks far more beautiful and has far more grip on the road. आपको grip पे जो feed back मिलेगा tire का, वो Hero Extreme में ज़्यादा अच्छा मिलेगा. तो overall मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बात करें breaking और tire की, तो उसमें Hero Extreme को अपर हैंड यहाँ पे मिल जाता है. So अब बात करते हैं दोनों ही bikes की सस्पेंशन सेटअप की. दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट पे मिलता है टेलीस्कोपिक और रियर में मिलता है आपको मोनोसॉक सस्पेंसन बट जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको फ्रंट में हीरो एक्सट्रीम में मिलता है ज़्यादा मोटा थर्टी सेवन एम डाया का टेलीस्कोपिक फोक्स पर वहीं पर अगर मैं अगर आ, अपाचे की बात करूँ तो आपको वहाँ पे मिलता है फ्रंट में फोक प्रोटेक्टर मिलता है जो कि हीरो एक्सट्रीम में नहीं मिलता है और अगर रियर की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलता है मोनोसॉक सस्पेंसन जो कि एडजस्टेबल है दोनों की जो सस्पेंशन है दोनों बाइक्स की सस्पेंशन वो आ, आप मैं आपको कह सकता हूँ कि स्टिफर साइड पे ज़्यादा सेट है किसी बाइक में आपको सस्पेंसन सॉफ्टर साइड में नहीं मिलेगा और पीछे में मोनोसॉक सस्पेंसन होने की वजह से दोनों ही बाइक में कॉर्नरिंग करते वक्त फीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलता है लैक ऑफ़ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है सो so, ओवरऑल जैसे अगर मैं हीरो एक्सट्रीम की बात करूँ तो कि फ्रंट फोक्स उसके थोड़े ज़्यादा मोटे हैं डायमीटर उसकी ज़्यादा है वहीं पर आपको ये अपाचे में मिल जाता है फोक प्रोटेक्टर मिल जाता है और रियर सस्पेंसन दोनों का सिमिलर सा रिस्पॉन्स है सो so, ओवरऑल अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स यहाँ पे इक्वल हैं कोई भी यहाँ पर आगे या पीछे नहीं है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइडिंग एर्गोनॉमिक्स ऑफ बोथ द बाइक हीरो की अगर हम सीट हाइट की बात करें तो वो है सेवन नाइनटी एम एम वहीं पर अपाचे की सीट हाइट mm तो है एट हंड्रेड एम एम की सो वो थोड़ा सा ऊंचा है बट स्टिल वो उतना फील नहीं होता अगर आपकी हाइट फाइव फ़ुट फाइव फाइव फुट फाइव इंच है फाइव फुट फोर इंच है तो आप दोनों ही बाइक को तो बहुत ईजीली चला सकते हैं संभाल सकते हैं ट्रैफिक में भी इसके अलावा बात करूँ तो जो सीट कूजनिंग है उसमें जो हीरो एक्स्ट्रीम है इसकी सीट थोड़ी सॉफ्टर साइड पे है एज़ कम्पेयर टू अपाचे अपाचे की सीट थोड़ी स्टिफर साइड पर है तो लॉन्ग रन पे अगर आप बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं तो उसमें आपको हीरो एक्सट्रीम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है सॉफ्टर सीट की वजह से इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अपाचे हैं उसकी जो फूड पैक्स है राइडर के वो थोड़े ऊंचे हैं और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर बनता है वहीं हीरो एक्सट्रीम में बहुत ही रिलैक्सड राइडिंग पोस्चर बनता है दोनों की जो हैंडल है वो सिंगल हैंडल है स्प्लिट हैंडल दोनों में से किसी में आपको नहीं मिलता है और बहुत ही सेम uh, सा आपको राइडिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट पिलियन के लिए भी दोनों ही बाइक्स में सीट्स में इनफ uh, स्पेस है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती पिलियन को भी अगर आप साथ में ले जाते हैं सिंगल सीट है दोनों ही बाइक्स में स्प्लिट सीट नहीं है हालांकि थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा चेंज जैसा ला दिया गया है कि थोड़ा सा ऊंचा uh, कर दिया गया है पिलियन सीट को बाकी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों की सीट्स में ही सो ओवरऑल राइडिंग एर्गोनॉमिक्स दोनों ही बाइक सिमिलर सी है बस अपाचे में थोड़ी सी एग्रेसिव ज़्यादा लगेगी आपको एज कंपेयर टू हीरो एक्सट्रीम हीरो एक्सट्रीम में आप ज़्यादा रिलैक्स्ड और कंपोज्ड राइडिंग एक्सपीरियंस फील कर पाएंगे वन मोर थिंग टू एड हेयर कि जब आप हीरो एक्सट्रीम पर सेट करते हैं बैठते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि बाइक के अंदर बैठे बाइक में बैठे हैं तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी बन पाती है फर्दर दोनों ही बाइक की जो टैंक है वहाँ पर आपके जो नीज़ है वो बहुत अच्छे से टक इन हो जाते हैं सो so, ओवरऑल जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो दोनों ही बाइक से बहुत ही अच्छा मिलेगा बस जो डिफरेंस ये रहेगा कि अपाचे में थोड़ा एग्रेसिव रहेगा बट हीरो एक्सट्रीम में ज़्यादा रिलैक्स राइडिंग आपको कंपोजर मिल जाएगा सो नाउ लेट्स हियर द एग्जॉस्ट नोट ऑफ बोथ द बाइक्स पहले अपाचे की लेट्स टॉक अबाउट द द सम एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ बोथ बाइक्स अगर मैं हीरो एक्सट्रीम की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है साइड स्टैंड इंजन किल स्विच मिलता है जो कि टी वी एसपाचे में नहीं मिलता है मतलब क्या होगा कि आप जैसे ही गेयर में लगाएंगे गाड़ी को अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी इसके अलावा दोनों ही बाइक्स में आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट लेकिन टी वी एस में आपको नहीं मिलता है किक स्टार्ट जबकि हीरो एक्सट्रीम में आपको मिलता है किक स्टार्ट भी उसके साथ ही साथ इसके अलावा दोनों ही बाइक्स में आपको मिलते हैं सेंटर स्टैंड प्लस साइड स्टैंड दोनों मिलते हैं ओपन चैन सिस्टम मिलता है फर्दर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ टी वी एसपाची इज हंड्रेड एट्टी एम एम वेयर इज दैट ऑफ हीरो एक्सट्रीम इज वन सिक्सटी सेवन एम एम बट द व्हील वेज ऑफ द टी वी एसपाची इज मोर देन द हीरो एक्सट्रीम बाई समथिंग थर्टी एम एम तो उससे क्या होता है कि जो टर्निंग रेडियस है वो हीरो एक्सट्रीम का थोड़ा छोटा हो गया एज कम्पेयर टू टी वी एसपाचे मतलब अगर आपको मुड़ना है तो टी वी से पासी को ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करना पड़ेगा मोड़ने के लिए अगर आपको यू टर्न लेना है तो वहीं पर हीरो एक्सट्रीम को कम लगेगा ओवरऑल वेट का भी डिफरेंस है दोनों बाइक में लगभग छः से सात किलो का डिफरेंस है दोनों बाइक में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने दोनों ही बाइक्स की जो डबल डिस्क वेरिएंट से उसको कंपेयर किया है हमने सिंगल डिस्क वेरिएंट्स को कंपेयर यहाँ पर नहीं किया दोनों की कि डबल डिस्क वेरिएंट्स को कंपेयर किया है और आगे अगर मैं बता दूं आपको कि जो दोनों ही बाइक्स की जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही ऑप्टिमम है कहीं पे भी लूज फिटिंग्स किसी भी बाइक में आपको नहीं दिखेगी बस एक प्रॉब्लम जो मुझे हीरो एक्सट्रीम में दिखी थी वो ये दिखी थी अगर आपको बैटरी भी सेट करना है ना तो ये पूरा पैनल निकालना पड़ता है ये जो फ्रंट का जो टैंक के ऊपर जो पैनल लगा है वही कंटिन्यू होता है बैटरी तक तो वो कंप्लीट आपको रिमूव करना पड़ता है जबकि अपाचे में ये प्रॉब्लम नहीं होती हुई है वो सेपरेटली आप रिमूव कर सकते हो उसको एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि हीरो एक्सट्रीम का जो क्रैब रेल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मतलब वो दिखता ही नहीं है अंडर सीट है वो तो उसकी वजह से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि आपको हीरो एक्सट्रीम में इंजन काउल नहीं मिलता है जबकि आपको टी वी में ब्यूटीफुल सा इंजन काउल मिलता है जो कि छोटे मोटे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी हाँ, कुछ जर्क लगेगी तो उसको वो बचा सकता है आपके कैटालिटिक कन्वर्टर को बचा सकता है फर्दर आपको टी वी से में एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि मिलती है आपको जी टी टी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिलती है कि आप अगर किसी ऑप्टिमम गेयर पर हैं आप बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में तो आपको बार बार गेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है बिना एक्सेलरेशन के उस गियर पे वो ऑप्टिमम स्पीड में अपने आप ड्राइव करती रहेगी गाड़ी एक्सोरूम प्राइस ऑफ बोथ द बाइक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर विच इज अराउंड वन लैख टेन थाउजेंड सो इस प्राइस में दोनों ही बाइक मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है सो ओवरऑल हीरो एक्सट्रीम सिटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगी और अपाचे हाईवे पर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी दिस इज जस्ट माई वर्डिक्ट यू कैन गो हैड आप टेस्ट राइड लीजिए चेक करिए खुद से बाइक को आपको कौन सी बाइक की स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है लुक्स किसकी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड देन सेलेक्ट योर बाइक सो दिस वाज द ओवरऑल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दीज टू बाइक्स अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो मुझसे छूट गया है टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हम जल्दी दूसरी एक नई वीडियो एक्साइटिंग वीडियो लेके आएंगे जय हिंद